बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अनपढ़ महिलाओं के बच्चे होंगे। जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम बहन को पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा असर है, और क्योंकि मुस्लिमों में पढ़ाई लिखाई कम है इसके कारण भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती है। नमस्कार, पांचजने के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ESPM की एक स्टडी आई है जिसमें यह पाया गया है कि 1950 और 2015 के बीच यानी 65 सालों में भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.8% तक घट गई है। वहीं भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी की बात करें तो यह करीब 43% तक बढ़ गई है। आपको बता दें कि 1950 में भारत में हिंदू 84% थे जो 2015 तक घटकर 78% हो गए हैं। वहीं मुसलमान जो 1950 में 9.84% थे उनकी जनसंख्या 2015 तक बढ़कर 14.09% हो गई है। जनसंख्या के इन आंकड़ों के क्या है मायने और भारत जैसे देश पर इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन जी। अश्विनी जी, आपका पांचजनी में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, ये जो स्टडी आई है और ये जो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, इससे एक सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 65 सालों में कम हुई है, वहीं अगर हम मुस्लिमों की जो कि अल्पसंख्यक है भारत में उनकी आबादी इतनी तेजी से 43% तक बढ़ गई है। इसमें कई कारण, इसमें पहला कारण तो यह है कि मुस्लिम समुदाय में जो सोच है, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है उनका, वो यह है कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन होते हैं, इसलिए उनको उनके जन्म को रोकना ठीक नहीं है, यानी परिवार नियोजन उनके लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितने भी बच्चे पैदा होते हैं हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और जनसंख्या के बारे में उनका उस प्रकार का चिंतन नहीं है जैसा आम समाज में देखने में मिलता है। दूसरा ये है कि ऐसा देखा गया है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, पढ़े लिखे परिवार होते हैं, उनमें पढ़ी लिखी माताएं होती हैं, वो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, और ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में आने वाले जितने भी सेंसेस हुए हैं, जब से देश आजाद हुआ, जो सेंसेस हमारे सामने हैं, जो जनसंख्या गणना आई है, उसमें ये साफ स्पष्ट होता है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो कम बच्चे उनके होते हैं, और जो कम पढ़ी लिखी अनएजुकेटेड महिलाएं हैं उनमें प्रजनन दर, जिसको हम टेक्निकल भाषा में टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, वो ज्यादा होती है। अगर आप देखें तो 1991 में अनपढ़ महिलाओं में 91 में 3.33 टोटल फर्टिलिटी रेट था, जबकि 2001 में वो बढ़कर 3.36 हो गया, यानी बढ़ गया कम होने की वजह, और 2011 में ये कम होकर के 3.17 हुआ। अभी 2021 का चूंकि जनसंख्या गणना हुई नहीं है, लेकिन उसके सामने यदि आप ग्रेजुएट महिलाओं को देखें तो ग्रेजुएट महिलाओं में 91 में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.62 था, जो 2011 तक कम होकर के 1.40 रह गया, और अब जो जनगणना होगी जो जैसे ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से और ज्यादा नीचे आ जाएगा। आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि 2.1 की जो प्रजनन दर होती है वो एक डिवाइडिंग लाइन है, यहाँ पर 2.1 से नीचे अगर प्रजनन दर आ जाती है तो दीर्घकाल में पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो महिलाओं में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनमें जो प्रजनन दर कम होती है, तो इसलिए आगे चल करके आप देखेंगे तो जो जनसंख्या की जो तस्वीर सामने आती है आगे आने वाले समय में, बहुत बड़ी संख्या में अनपढ़ महिलाओं के बच्चे होंगे, और स्वाभाविक है जहाँ ऐसा कोशिश तो यही होती है कि अनपढ़ महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं, लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वो कम हो। अगर हम मुस्लिम बहनों में पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो मुस्लिमों में पढ़ाई लिखाई का जो लेवल है वो कम है,
अगर कुल पॉपुलेशन में मुस्लिम जनसंख्या को देखें तो मात्र 6.7% लोग जो है वो ग्रेजुएट एंड अबव हैं, जबकि हिंदूज में ये 12.5% है। मैं यहाँ बिल्कुल, पर कुछ विशेष तौर उदाहरण पे दे मुस्लिम देता हूँ। महिलाओं के एजुकेशन का रेशो तो बहुत ही कम है। हाँ, तो मैं यहाँ पर, और महिलाओं में और भी कम है, तो इसका इसका जो प्रभाव पड़ता है, तो मैंने दूसरी बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा असर है, और क्योंकि मुस्लिमों में पढ़ाई लिखाई कम है, इसके कारण भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती है। और इसके ये जो पॉपुलेशन बढ़ने के जो कारण है, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो माइनॉरिटीज के नाम पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ने के ऐसे ये सब कारण है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर, ये चिंता का विषय ये है कि आगे चल करके जो हमारी जनसंख्या होगी उसका लेवल क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा, क्या हम अनपढ़ की जमात यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई लिखाई की तरफ जोर बढ़ना चाहिए और उनकी उनकी एजुकेशन को और बेहतर करने की आवश्यकता है। देखो, मुस्लिम जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्टडी है 167 देशों की स्टडी की गई है, जिसमें ये देखा गया है कि जो मुस्लिम देश हैं वहां के जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं वहां भी जनसंख्या उनकी तेजी से बढ़ी है, लेकिन बहुसंख्यकों की कम हुई है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है, जो कि हमने तस्वीरें देखी हैं, कि चाहे ये मुस्लिम आबादी मुस्लिम देशों में बढ़े या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में बढ़े, एक द्वंद सा वहां पैदा होता है और अनरेस्ट वहां पैदा हो जाता है। हमने स्वीडन में भी देखा, हमने फ्रांस में भी देखा कि एक शरिया की मांग होने लगती है। तो ये एक डर सा जो है भारत जैसे देश पर भी छाया रहेगा क्या, अगर इसी तेजी से बढ़ेगी तो? देखिए, हम इसको माने या ना माने, ये बात तो सच है, कई कई लोग इसको इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो चीज सामने दिखाई दे रही है, मैं आपकी बात से इसमें शुरू करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, एक देश में भी किसी प्रांत में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, तो वहाँ भी या एक प्रांत में भी एक यदि जिला में बढ़ने लगती है, तो वहां भी शरिया की मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी जनसंख्या जो है वो मेजोरिटी में है उस क्षेत्र में, इसलिए हमें शरिया को लागू करना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि जहां जहां हमारी जनसंख्या कम है उस जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए, ऐसा ऐसा मुस्लिम जो नेतृत्व है वो कहता है। और साथ ही साथ जहां जहां हमारी जनसंख्या बढ़ती है, तो वहां शरिया लागू होना चाहिए। इसलिए ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जनसंख्या की जो प्रतिशत में स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। इसमें हमें सिंगापुर से भी समझना पड़ेगा। सिंगापुर में एक जनसंख्या नीति है जिसके अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलर समुदाय की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं, उनकी हाउसिंग स्कीम्स उस प्रकार से चलती हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो हमारा एक मानना है कि ये जो चिंता का विषय है, और ये केवल चिंता इस बात की नहीं है कि 2015 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या हो गई है, चिंता इस बात की भी है कि चूंकि फर्टिलिटी रेट में अंतर है, पढ़े लिखों में अनपढ़ों में अंतर है, समुदायों में अंतर है, इसके कारण आगे चल करके ये जनसंख्या में वृद्धि और अधिक हो सकती है और जो प्रतिशत है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है अश्विनी जी, जैसा कि हम देखते हैं भारत के ही कई राज्यों में हमने देखा है एक डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है, जहां मुस्लिम जनसंख्या इकट्ठी होने लगती है, आबादी अगर तेजी से बढ़ने लगती है, वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। ये तस्वीर भी इन आंकड़ों के बाद थोड़ी और भयावह लगती है क्या? देखिए, मैं फिर बात की बात को दोहराऊंगा कि हमें अपनी जनसंख्या नीति इस प्रकार की बनानी चाहिए कि जिस लेवल पर हमारी जनसंख्या है, विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स का जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत को मेंटेन रखना चाहिए, और उसको मेंटेन रखने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या नीति को दुरुस्त करें। यह भी जरूरी है कि हम किन कारणों से इन समुदायों में जनसंख्या बढ़ती है,
उन कारणों को भी दूर करने की कोशिश करें। अगर जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि पूर्व में सभी लोग ऐसा मानते थे कि परिवार नियोजन अच्छा नहीं है, हमें जनसंख्या को बढ़ते रहने देना चाहिए, लेकिन बाद में समझाने बुझाने पर, जनसंख्या नीति को ठीक प्रकार से लागू करने पर, परिवार नियोजन के बारे में लोगों को समझाने जागरूकता फैलाई पर, गई थी। जागरूकता बढ़ने के बाद हमारी जो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति थी 1950 और 1980 के बीच में, आज ये स्थिति आ गई है कि जनसंख्या संकुचन की तरफ आगे बढ़ रही है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें अपनी जनसंख्या का प्रतिशत और जो कंपोजिशन है उसको बरकरार रखने के लिए लोगों को समझाने की भी जरूरत है, लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है, जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन भी बेहतर करने की जरूरत है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी ये समझना होगा कि यह उनके हित में भी ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी जनसंख्या ज्यादा होती है उतनी ही उनकी गरीबी बरकरार रहती। परिवार नियोजन की आपने जब बात की थी, तो परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो इस तरह के स्लोगन चले थे, और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो आंकड़े कम हुए वो बहुसंख्यक हिंदू समाज में कम हुए हैं। अब इसमें सवाल यही है कि आखिर एजुकेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, जागरूकता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अगर 65 साल के जो आंकड़े देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका असर तो यहाँ नहीं दिख रहा। समाधान क्या है फिर? क्योंकि देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा विषय है ना जो विवादास्पद हो जाता है। जब भी इस पे बात की जाए तो बातें कई उठती हैं, लेकिन एक समाधान सामने निकल कर नहीं आता है। मुस्लिम समुदाय में, हालांकि सभी मुस्लिम चार शादी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में चार शादी का जो प्रावधान है, और इससे पहले जो पूर्व में ट्रिपल तलाक का प्रावधान था, ये सारे प्रावधान इस प्रकार परिस्थिति की तरफ हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सभी समुदायों के लिए, सभी रिलीजियस बिलीफ के लोगों के लिए एक जैसा कॉमन कोड होना चाहिए, ताकि कोई भी समुदाय इस प्रकार से, विशेष तौर पर जहां महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आती है, उसमें सब लोग बराबर रहें। मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम बहनों को होता है, क्योंकि तो उनका स्वास्थ्य, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत है, और ऐसे में हमारे मुस्लिम समुदाय जो है उनकी जो सेहत बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उसमें गरीबी दूर हो, सब लोगों को अपना घर मिले, सब लोगों को अपना एक अच्छा रहने का एक साधन हो, ऐसे सब के लिए जरूरी है कि जो परिवार हैं वो छोटे हों, और उनके माध्यम से हम, क्योंकि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें सभी समुदायों को आगे बढ़ाना होगा, और उन सभी समुदायों में मुस्लिम समाज भी आता है, इसलिए मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन को बढ़ाना और उनको जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित करना, इससे दोहरा फायदा होगा। क्योंकि तो अगर मुस्लिम समुदाय से के कारण हिंदू समुदाय, हिंदू जनसंख्या में कोई भय का कहीं पर अब आता है कारण, तो यह एक वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि यदि देश में शांति, स्थिरता और भाईचारा बना के रखना है तो उस प्रकार की स्थितियों को भी हमें पहले से बेहतर करना होगा। बिल्कुल। और जनसंख्या नियंत्रण की जहां तक बात है, तो ये तो स्पष्ट तौर पर है कि महिलाओं के अंदर शिक्षा जो है वो जागरूकता ला सकती है, विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं में, जिसमें आंकड़ा बहुत कम है। धार्मिक जो नेता हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, रिलीजियस जो खासतौर से मुस्लिम रिलीजियस नेता जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि उनका काफी प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर रहता है। आने वाले समय में अगर इस चीज का नियंत्रण नहीं किया गया, तो जो आप कह रहे थे अश्विनी जी कि बात जनसंख्या की नहीं रहेगी, अनएजुकेटेड लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी,
और इस समुदाय में अगर एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमने ये भी देखा है कि कट्टरता भी बहुत तेजी से बढ़ती है, और अगर कट्टरता तेजी से बढ़ेगी तो उसका प्रभाव देश पर होगा। और दूसरी बात, ये आंकड़े ये भी साफ साफ बताते हैं कि ये जो सामने हमारी तस्वीर पेश की जाती है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा या प्रोपेगेंडिस्ट जो लोग हैं, कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है बल्कि अच्छी तरह से फल फूल भी रहे हैं। अश्विनी जी, मैं यहाँ जी पर एक बात जरूर अंत में कहूंगा जी जी कि जो वेस्टर्न मीडिया कहता है तो मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांक करके देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से यूएस में अभी पैलेस्टीनियन मूवमेंट में कैसे किस प्रकार से उन्होंने उसको डील किया, उसी प्रकार से उससे कहीं कम अंदाज में यदि यहाँ पर डील किया जाता है तो उनको यहाँ का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ की रिलीजियस फ्रीडम भी। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न मीडिया को वहाँ के बारे में उतना ही बताना चाहिए, नहीं तो वेस्टर्न मीडिया को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई उनको उनको भाव देने वाला नहीं रहेगा। ऐसा मेरा मेरा वेस्टर्न मीडिया से भी ये निवेदन है। अश्विनी जी, वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, उस पर हमको एक बार अलग से बैठ के चर्चा करनी पड़ जाएगी। भारत को लेके उनका नजरिया और अपने देश के लिए उनका नजरिया बहुत अलग-अलग चीजें होती हैं, तो वो अपने आप में एक अलग विषय है जिसपे हम आगे कभी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल आपने समय निकाला हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।